हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सकारात्मक सामाजिक सिद्धांत, ठीक है, पॉजिटिवली सोशोलॉजी एंड थ्योरीज। ये सोशोलॉजी आर 425 एमए सोशोलॉजी सेमेस्टर सेकंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमने इसमें सकारात्मक बाद अगस्त कामटे के जीवन के बारे में और उनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है। देखिए दोस्तों, ये कई जगह चैप्टर जो है लाभकारी है। जहाँ पर भी आपको अगस्त कामटे के बारे में आता है तो उसके विषय में आप इसका कर सकते हो। आपको क्लास नहीं देखना है, आपने टॉपिक देखना है कि अगस्त कामटे के जो है से क्या जानते हो, उनकी शिक्षाएं, उनके योगदान के बारे में आता है तो आप इसको कर सकते हो। ये इंस्ट्रक्शन इसलिए दिया जा रहा है आपको क्योंकि ये ज़रूरी है। और ये मत सोचिएगा कि एमए का ये है पार्ट, नहीं दोस्तों, ये आपके छोटे क्लास के लिए भी है और एमए के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है। चलिए, ये बात तो था आपके लिए, लेकिन आपको जो एक बात जो मैं इंपॉर्टेंट जो हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और आपको अमल भी करना चाहिए, ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहती है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप छोटे के साथ साथ बड़े बच्चों के भी आप हेल्प कर सकते हो, क्योंकि उनको ऐसा टॉपिक नहीं मिलता है जिसकी वजह से जो है वो अच्छे से एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो क्यों नहीं, आधुनिक युग है तो उसका हम फायदा उठा लें और आप भी सब्सक्राइब करके त्रिपान स्टडी सेंटर का लाभ उठा लो, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे बच्चों का डिमांड रहेगा, मुझे तो उसी पेज पे कार्य करना है, क्योंकि जैसे बच्चे कहेंगे, जैसे उनके प्रॉब्लम आएगा वैसा ही मैं आगे बढ़ूंगा। तो अगर आपका भी कोई डिमांड है, कोई प्रॉब्लम है, समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। जैसे कि एमए वाले बच्चों ने कहा कि कंपलसरी सब्जेक्ट मुझे नहीं समझ में इतना जल्दी आ रहा है तो आप इसके लिए कुछ कीजिए, तो मैं इनके जो है बेस पे जो है मैं बना रहा हूँ और इसको जो है सभी बच्चों को लाभान्वित होना चाहिए जिनके भी टॉपिक होते हैं। ये टॉपिक बहुत जगह आते हैं, चाहे प्लस टू में हो तो वहाँ भी अगस्त कामटे के बारे में आता है, बच्चे सोशोलॉजी ले रखे हैं और इलेवंथ क्लास में भी रहता है, तो इसको आपको टॉपिक बेस लेके चलना चाहिए, ठीक है। ये तो था आपके लिए जो इंस्ट्रक्शन के रूप में था, ठीक है। आगे जो हम देखेंगे कि अगस्त कामटे के विषय में जो आप क्या जानते हो, ठीक है, सकारात्मक शिक्षा के क्षेत्र में अगस्त कामटे क्या योगदान था, तो आपको पता है कि अगस्त कामटे जो सोशोलॉजी के जो महान चिंतक में से एक माने जाते हैं, ठीक है। तो अगस्त कामटे को फादर ऑफ सोशोलॉजी भी कहा जाता है। कहते हैं अगस्त कामटे समाजशास्त्र के जनक के रूप में भी विख्यात है, यानी उनको फादर ऑफ सोशोलॉजी भी कहा जाता है। अगस्त कामटे का जो जन्म था 1798 यानी 1798 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था जन्म जो था 1798 यानी 1798 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था। वह एक लोकतंत्र में आस्था रखते थे, लोकतंत्र पर विश्वास उनका था। वो अपने यौवन में वो उस समय के राजनीतिक चिंतन के झुकाव के निराशा थे, यानी जो उस समय लोकतंत्र में हो रहा था, वहाँ के राजनीति में हो रहा था, वो काफ़ी निराश थे। अंततः उसने यूरोपीय समाज के पुण्य उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम आरंभ करने का निर्णय किया कि जो उनके समाज में जो अराजकता फैली हुई है, चारों तरफ निराशा फैली हुई है, उसके विषय में उन्होंने चर्चा किया। मौलिक रूप में वह गणितज्ञ यानी मैथमेटिशियन की एक और वैज्ञानिक था, यानी मैथमेटिशियन और उनको समझ थी और उसमें ही वो काफ़ी आगे बढ़े हुए थे। वो इंग्लैंड के औद्योगिक विकास से अत्यधिक प्रभावित हुए जो कि विज्ञान और तकनीकी के सही प्रयोग का परिणाम था। विज्ञान और उद्योग को परिवर्तन स्वभाव और राजनीतिक स्थिति स्वभाव में मेल जोल स्थापित रखना उसने अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बनाया। क्योंकि देखिए कहाँ, वो गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे और उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड के औद्योगिक विकास का जो प्रभावित देख के उन्होंने जो है सोशोलॉजी के ऊपर आया और उन्होंने जो है फादर ऑफ सोशोलॉजी के नाम से भी उनको विख्यात किया गया। अब इसमें आता है, हमने इसी पे करना है पॉजिटिविटी एजुकेशन या सकारात्मक शिक्षा के बारे में उनकी बहुत क्या विचारधारा थी। कहते हैं कामटे के समाज में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका अभिनेतित करती है। वो मानवीय स्वभाव में परिवर्तन पर आधारित नए समाज के पुनः निर्माण में विश्वास करते थे, ठीक है। समाज में ऐसे परिवर्तन का कुशल शैक्षिक पद्धति द्वारा ही लाए जा सकते थे, यानी द प्रिंसिपल ऑफ द अथॉरिज्म वॉज देयर थॉट एट देयर इज मेंबर ऑफ द सोसाइटी इन द सेंस दैट देयर शुड बी अ लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ देयर फेलो विगेन इन द बेस्ट एज दे कैन। तो ये उनका जो था साफ और स्पष्ट विचारधारा थी। इस पर कहते हैं मानवीय मस्तिष्क में जो है परोपकारिता का एक भाग होता है जो स्वार्थ भावनाओं पर शासन करता है। तो ये तो आपने देखा भी होगा, आपने जनरली कभी सुना भी होगा कि एक अगर पॉजिटिव होती है तो एक हमें सदैव नेगेटिव होती है, तो पॉजिटिव नेगेटिव का विचार करते हुए जो सार्थक बातें होती है उसको लेकर आगे चलना ही अगस्त कामटे का प्राथमिकता विचार था। और एक जो है प्रकार से नए गत को लोगों में शिक्षित करना था, वो भी उनका प्राथमिक विचारधाराओं में से था।
क्योंकि अगर काम से शिक्षा पद्धति पर एक विशेष उद्देश्य और परोपकार गुणों को प्रबंधन और प्रगति की अभिकमना बनाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने शिक्षा पर बहुत ही जोर दिया। कहते जो विज्ञान के प्रति उनके विचार पर आधारित हो, उनका यह भी मानना था कि जो सारे विचारधारा हो वो विज्ञान पर आधारित हो और विज्ञान को लेकर ही आगे बढ़ना चाहते थे। शिक्षा की योजना जन्म से ये किसी 21 वर्ष की आयु तक झेलनी थी, यानी 21 वर्ष तक जो है उन्होंने सोचा था कि हमें शिक्षा तो लेनी ही पड़ेगी। 14 वर्ष की आयु तक वो माता बच्चे की शिक्षा की देखरेख करती है, उसके पश्चात विज्ञान और अर्थशास्त्र में जो विशेष स्थिति और पुजारियों को उच्च शिक्षा का प्रधान बनाया गया। यह पुजारी समाज के वैदिक नैतिक और धार्मिक नेता थे। आपको पता है पुराने समय में क्या होता था कि पुजारी जो होते थे वो वैदिक चेतना और धार्मिक नेता हुआ करते थे, यानी हर बार जो लोग होते थे आँख बंद करके वो जो है पुजारियों पर ही विश्वास किया करते थे, ठीक है। और सभी विज्ञान एवं समाज शास्त्रों में विशेषज्ञ भी थे, माने जाते थे। कहते 70 वर्ष तक गणित, खगोलीय विज्ञान और रसायन विज्ञान, भौगोलिक विज्ञान, जीव विज्ञान, समाज विज्ञान और नैतिक, यानी मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड मॉरल्स जैसे विषय में शिक्षा दी जाती थी उस समय। तो यही शिक्षा का जो होता था मुख्य साधन होती थी और यही मार्ग भी होती थी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का। कामडे के अनुसार इस पद्धति में वो संपूर्ण शिक्षा दी जाती थी जिससे अच्छे नागरिक को अपनी स्थिति को दृढ़ करने के लिए आवश्यकता होती थी, यानी कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा नागरिक बनना चाहता है तो इन विषय में जो है ज्ञान होना उनको आवश्यक होती है, तभी जो है वो सारे चीज़ों को सक्षम रूप से चलाने में सक्षम रहे। यानी उन्होंने साफ शब्दों में बात कहा था, ही हैड रियलाइज दैट द ऑल डोमेजेस लाइफ लाइक फेथ इन अ गॉड एंड ब्रेस इज साइन एंड हैवन हैज बिकम टू द क्रेमस इन देयर एज ऑफ द साइंस एंड द साइंस हैड अंडर रिमाइंडेड एज द ट्रेडिशनली रिलीजन ऑफ लॉयल्टीज। तो ये बातें बहुत ही खास थी और उन्होंने साफ शब्दों में इस बात को जो है कहने की कोशिश किया था। उसके बाद इसमें उन्होंने ये बात क्लियर किया था कि मानवीय स्वभाव में जो है लाखक को पूरा किया जाना चाहिए, यानी जो मनुष्य के स्वभाव में जो विचारधारा है उनको पूरा करना ही उनका सबसे बड़ा प्राथमिकता होनी चाहिए। लोगों के मस्तिष्क को साफ करके ब्रेन वॉश, नए विश्वास को उसमें भरा जाना चाहिए कि व्यक्तियों में जो है नया विचारधारा होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है। जिनके पास विचारधारा नहीं है वो मनुष्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य में जो है नए विचारधारा के साथ जो है पुराने विचारधारा को भी होना एक अत्यंत आवश्यक होती है। अंततः कामटे का अनुभव किया कि यदि लोगों को अपने नागरिक कर्तव्य को निभाने में पूरी तरह से समर्पित बनना था तथा उनमें से प्राचीन विश्वासों को निकाल कर नए विश्वास को उत्पन्न करना अनिवार्य था। अगस्त कामते साफ शब्दों में ये बात कहते हैं कि नागरिक को अगर उनके कर्तव्य को निष्ठ बनाना है तो उनको नए विचारों से भी अनुभव करवाने की आवश्यकता है। देखिए दोस्तों, एक बात तो बहुत ही साफ क्लियर अगस्त कामते करना चाहते थे कि देखिए कोई भी राजनीति कुछ भी हो, जब तक हम प्रत्येक व्यक्ति जो है पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सरकार की कोई रूल रेगुलेशन जो उन्होंने लागू करेंगे वो सफल नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है किसी भी देश के, अगर उसमें शासन व्यवस्था अच्छा करना है, वहाँ पर सही रूल रेगुलेशन करना है, जब तक लोग स्वयं नहीं सोचेंगे, सरकार रूल रेगुलेशन बनाती जाएगी लेकिन उसमें अमल नहीं होने की वजह से जो है वो सफल भी नहीं होगा। आप देखते हो सरकार हर तरह के अच्छे अच्छे रूल बनाती है लेकिन उसको लागू करती है, लेकिन कहते क्या है, दो दिन लागू रहती है तीसरे दिन वो हटा दी जाती है। आपने देखा ही होगा हमारे देश में कैसे कैसे चीज़ बैन है, शराब बैन है, पॉलीथीन बैन है, ठीक है, ऐसे बहुत सी चीज़ बैन है लेकिन इसका धड़ल्ले से अभी उपयोग हो रहा है। तो कहते हैं यहाँ पर अगस्त कामते ने साफ शब्द में यही बात कहा था कि उन्होंने ऐसे जो है ब्रेन वॉश करना है जो नागरिकों का, कि जो उनको सही कर्तव्य को निभाने पूरी तरह से समर्पित बनाना होता है, उसमें प्राचीन विश्वास को निकाल कर नए विश्वास को उत्पन्न करना था। जब तक देखिए पूरा, मैं ये नहीं कभी कहता हूँ, मेरा भी यही विचार है कि कभी पुरातन चीज़ों को छोड़ना थोड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं उनमें भी बहुत गुण होते हैं लेकिन उसको आधुनिकता के साथ कुछ तालमेल बिठा के हमें चलने की आवश्यकता होती है। इससे क्या होता है कि हम पुरातन समय की तो बातों को समझते हैं प्लस नए विचारधारा को भी हम आगे लेके चलते हैं, तो इससे क्या होता है बड़ों में भी असमंजस की सुविधा नहीं रहती है ना छोटे में रहता है, दोनों जो है मिलजुल के चलेंगे तभी जाके जो है हमारा लोकतंत्र जो है मजबूत बनेगा। और अगस्त कामते भी लोकतंत्र को मजबूत करने में विश्वास रखते थे, इसलिए उनका विचार था कि जब तक नागरिक कर्तव्य को निभाने में पूरी तरह से समर्पित नहीं होंगे कोई भी देश जो होगा वो तरक्की के राह पे नहीं चलेगा। इवन टू द इंग्लिश में उन्होंने यही बार वर्ड कहा था कि फॉर द क्रिश्चियनिटी इज द सब्स्टिट्यूटेड इज द साइंटिफिक फेथ स्टिंग ऑन देयर लो ऑफ हैज डिस्कवर्ड टू द ट्रफ्ट बाय अ प्रीहोट एंड सोसाइटीज। उस सकारात्मक मोटो और अन्य के लिए भी जियो और भांति के सिद्धांत को शिक्षा भी दी थी, यानी अन्य के लिए जियो और अभातु की सिद्धांत को भी शिक्षा उन्होंने साफ शब्दों में दिया था। सकारात्मक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य मनुष्य का जो है मस्तिष्क, धार्मिक और नैतिक विकास करना होता है। सकारात्मक शिक्षा द्वारा ही सामाजिक स्वप्नों से अच्छी तरह से समझा जा सकता है।
उसके पश्चात था सकारात्मक शिक्षा की मुख्य विशेषता। देखिए जो उन्होंने सकारात्मक शिक्षा देने की कोशिश किया था उसी कुछ विशेषताएं भी थी, उसी विशेषताओं पर हम जो है चर्चा भी करेंगे कि मेन करेक्टर ऑफ द पॉजिटिवली एजुकेशन की क्या विशेषता थी, क्यों जो अगस्त कामते थे वो इस पर जोर देना चाहते थे और ये इसको मानने के लिए विवश लोगों को करना चाहते थे। तो इसका सिर्फ एक ही मतलब था कि जो है वैज्ञानिक अध्ययन यानी साइंटिफिक स्टडी। सकारात्मक शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता यह है कि घटनाओं को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी अध्ययन करना पड़ता है। इसलिए सकारात्मक शिक्षा की एक मुख्य विशेषता इसका वैज्ञानिक होना भी है। देखिए दोस्तों आज अगर हम वैज्ञानिक युग में हैं और यहाँ पर जो है साइंटिफिक रिसर्च को ही महत्व दिया जाता है तो क्यों ना हम उसको अपने सोच की विचार के धारा के कसौटी पे उसको तोल मरोड़ के देखिए, क्योंकि कभी कभी जो होता है नकारात्मक चीज़ भी इंसानों को ले डूबता है। तो क्यों ना हम इसको साइंस के उस कसौटी पे उतारने की कोशिश करें। मान लीजिए अगर किसी को कुछ ऐसी कुछ घटना घटी हो उसको पहले ही बता दिया जाए कि आपके साथ ऐसे होने वाला है तो बताइए व्यक्ति तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। ठीक है, कोई व्यक्ति के पास आप जाते हो इलाज कराने कुछ भी करने जाते हो, या अगर मान लो अनपढ़ है बंदा तो आपको कोई चीज़ को कुछ ही बना देता है, आपको रहेगा ये बीमारी कह देगा वो बीमारी है, आप चिंता में ही उड़ जाओगे, चिंता में ही आपका जो है निधन हो जाएगी। तो कारण क्या होती है अगर हम उसको साइंटिफिक रूल रेगुलेशन से टेस्ट करवाएं सब कुछ करवाएं तो साइंटिफिक रूल से क्या होता है सही रिजल्ट आता है और आप जो जिस दुख से आप उभरना चाहते हो उस दुख से जो है डायरेक्टली आप अलग हो जाते हो। तो जब साइंटिफिक कहते हैं ना वैज्ञानिक अध्ययन भी बहुत ही अनिवार्य अगस्त कामते मानते थे, सही ज्ञान भी होना जरूरी है। कहते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण की एक विशेषता यह भी है कि सकारात्मक दृष्टिकोण को ही सही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि सही जो है अगर मैंने कहा टेस्ट करवाया और वहाँ पर टेस्ट जो है ढंग से नहीं किया जा रहा है सकारात्मक रूप से नहीं किया जा रहा है तो वो भी हमारे लिए जो है सर का दर्द बन सकता है। इसलिए अगस्त कामते जो थे सही ज्ञान होना भी उस चीज़ का जरूरी होता है। उसके बाद था उचित एवं जो है व्यवसायिक जो है सामाजिक नियम सुटेबल एंड द रियल सोशल लॉ। देखिए सकारात्मक शिक्षा से उचित एवं शास्त्रीय सामाजिक नियम भी बनाए जा सकते हैं। अगर समाज देखिए तभी चलता है सिस्टमैटिक रूल रेगुलेशन से जब यहाँ पर सही रूल रेगुलेशन बनाया जाता है। आपने देखा ही होगा बहुत से ऐसे रूल रेगुलेशन जो होती है गलत होती है, सरकार बहुत से चीज़ों में जो होती है आज मात खा रही है। रीजन्स ये होता है कि बहुत से जो उनकी सुविधाएं लोगों को देना चाहिए वो आते हैं अपना रूल रेगुलेशन चलाते हैं और ऐसे रूल रेगुलेशन बना के चले जाते हैं जिसकी वजह से लोगों को उस रूल रेगुलेशन को तो जो है खंडन करने की आवश्यकता आ जाती है। लेकिन सरकार कभी ये बात नहीं सोचती है कि उस रूल रेगुलेशन जो है जनता वहाँ रहती है उनसे विचारधारा लिया जाए। वो तो आते हैं रूल रेगुलेशन जो भी होता थोप के चले जाते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि उस रूल रेगुलेशन को जो जनता के द्वारा समर्थन नहीं दिया जाएगा और वो आगे चल के धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अगर सकारात्मक रूप से उस रूल को लागू करना है तो आपको जो है उचित वास्तविक सामाजिक नियम भी देखना पड़ेगा और उसको भी बनाने की आवश्यकता होगी। उसके बाद है आपके अवास्तविकता से दूर यानी वे फ्रॉम टू अनरियलिटी। सकारात्मक शिक्षा का जो है वास्तविकता है आपके प्रत्यक्ष बातों से कोई संबंध नहीं है, जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है जिन्हें वर्गीकरण द्वारा समझा जा सकता है वो तथ्य ही सकारात्मक शिक्षा है। देखिए सकारात्मक शिक्षा का मतलब यही होती है कि जिसको आप परख सको सोच सको विचार कर सको और उसका एक ही रिजल्ट होती है तो उसे हम कहते हैं सकारात्मक शिक्षा। ठीक है, उसके बाद है वैज्ञानिक प्रतिक्रिया का प्रयोग यूज ऑफ द साइंटिफिक एक्टिविटी। देखिए सकारात्मक शिक्षा वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग पर बल देता है। वैज्ञानिक जो विधियों तथा औजारों का प्रयोग द्वारा ही ठीक परिणाम और सामाजिक घटनाओं की जाँच भी की जा सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि वैज्ञानिक प्रक्रिया का भी प्रयोग करना चाहिए। कहते हैं ना जब आपके पास है सुविधाएं उपलब्ध है तो क्यों आप पीछे हट रहे हो, आप साइंटिफिक रूल रेगुलेशन का भी उपयोग करो और अपना जो है जो आपको लगता है कि गलत हो रहा है तो उन चीज़ों को है जो है वैज्ञानिक कसौटी पे देखो और अपने आप को जो है सही मार्गदर्शन के साथ लेके चलो। तो ये भी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम भारत में रहते हैं लेकिन व्यक्ति जो होती है पुराने विचारधाराओं को लेकर चलते रहते हैं। देखिए पुराने विचारधारा का मैं ये नहीं कहता हूँ, खंडन नहीं कर रहा हूँ मैं, पुराने विचारधारा जो है हमें अच्छी बात बताती है लेकिन हमें नए के साथ भी जानना चाहिए क्योंकि आप जब मोबाइल लेकर चला सकते हो ज़्यादा आधुनिकता की जो है पहुँच सकते हो तो पुराने विचारधारा को इतना भी पकड़ के रखना सही नहीं माना जाता है। तो इसलिए वैज्ञानिक प्रतिक्रिया का भी प्रयोग करने की आवश्यकता है और उसको सही मानदंड पे आगे लेने जाने की आवश्यकता है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है धर्म एवं विज्ञान में संतुलन। देखिए ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और सकारात्मक भी है। सकारात्मक शिक्षा और धर्म विज्ञान में संतुलन उत्पन्न करने में सहायता करता है और समाज का कल्याण धर्म के क्षेत्र में जो है सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से ही हो सकता है। सकारात्मक शिक्षा जो है वैज्ञानिक कार्य विधियों के प्रयोग पर बल देती है।
देखिए दोस्तों, यहाँ धर्म एवं विज्ञान में संतुलन होना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि धर्म कुछ और मानती है और जो है आपका जो है विज्ञान कुछ और मानता है। तो यहाँ पर जो है दोनों कसौटियों पे आगे लेकर चलना बहुत जरूरी है। धर्म हमें अच्छी बातें सिखाता है लेकिन विज्ञान भी जो है वो अलग होती है। धर्म हमारे भावनाओं से होती है जुड़ी हुई और विज्ञान जो है हमारे रिसर्च से जुड़ी होती है। तो इसमें तो कहते हैं दोनों का संतुलन होना बहुत जरूरी है। जो धर्म की जगह पर वो धर्म पर रहने दीजिए, जो विज्ञान की कसौटी पर उसे विज्ञान की कसौटी पर रहने दीजिए। कहते हैं ना, अगर हमसे अगर धर्म छिन जाती है तो हम कहीं की भी नहीं रह सकते, क्योंकि धर्म जो है हमें अच्छी राह पे जाना, हमें अच्छे विचार देना, हमें अच्छे सुचारू रूप से चलाने की जो है ज्ञान प्रदान करता है। उसके बाद हमारा है समाज जो पुण्य गठन में सहायक। आपको पता ही होगा कि हेल्पफुलनेस सोशल और डिस्ट्रक्शन, कहते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण जो है समाज का पुण्य गठन करने में सहायता करता है, जिससे समाज के लोगों को नैतिक और वैधिक विकास हो सके, लोगों को समृद्धि बनाया जा सके। तो ये सारे जो है सामाजिक पुण्य गठन की सहायता से ही संभव हो सकती है। जब तक सामाजिक पुण्य गठन सहायक नहीं होती है, हम जो है समृद्ध लोगों को नहीं बना सकते। क्योंकि आज जो भी नेता देख लो, जो भी सरकारी बातें देख लो, सबका एक ही विचारधारा होता है कि लोगों को समृद्ध कैसे बनाया जाए। लेकिन कहते हैं ये हर जगह फेल ही होती है, क्योंकि कहीं भी जो आप देखने को मिलेगा कि जो लोग हैं कहीं भी समृद्ध नहीं है। हर जगह के लोग, जनता जो है परेशान है, दुखी है। आखिर परेशान क्यों है? इतनी मेहनत से उस सरकार को चुनती है, उनको वोट करती है, लाइन में खड़ा रहती है, लेकिन सरकार को ये विश्वास नहीं होता कि इतने चाहे धूप हो चाहे बरसात हो वो वोटिंग करने जरूर जाती है उनकी। और वो लोग क्या करते हैं, जो जनता को जहाँ रूल रेगुलेशन सही देने की जगह पर क्या करते हैं, उनको ऐसे रूल रेगुलेशन में फंसा देते हैं जो वो झेलने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, उस पर चलने के लिए वो सक्षम नहीं होते हैं, और उन पर लगता है जैसे कि ज़बरदस्ती थोपा जाता है। लेकिन सरकार को जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन पर जोर बिल्कुल ही सरकार नहीं दे रही है। उनको तो पता ना कौन सा रूल रेगुलेशन पर पड़ी हुई है। कहते हैं ना, जब पेट में अन्न रहता है ना तभी दुनिया सबसे अच्छा लगता है। तो यही बात जो है अगस्त कामटे भी कहते थे, कोई भी रूल रेगुलेशन हो उसको वैज्ञानिक आधार पर पहले जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों विचारधाराओं को परखने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों विचारधाराओं को नहीं समझते हैं वो कभी भी राजनीति में जो है कामयाब नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये जो था मेन बातें जो थी आपका अगस्त कामटे बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में कहने की कोशिश सदैव करते थे। उसके पश्चात हमारा है कामटे के सकारात्मक शिक्षा का आधार। देखिए, बेस ऑफ द कामटे पॉजिटिविज्म, तो ये बात तो साफ हो गया कि अगस्त कामटे जो थे सकारात्मक शिक्षा के आधार पर ही आगे बढ़ना चाहते थे। तो सबसे पहले उन्होंने इसी बात पे जोर दिया था, एक्सपीरियंस यानी अनुभव। कहते सकारात्मक शिक्षा का प्रथम आधार यह है कि किसी घटना के कारण और परिणाम को जानने के लिए धार्मिक विश्वासों को न मानकर अनुभव और जांच पड़ताल को अपनाना चाहिए। देखिए, कभी कभी व्यक्ति जो होते हैं अपने अनुभव की कोशिश करते हैं उसको जांच परखने की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब साइंस आपके सामने है तो कुछ साइंस के विचारधाराओं पर भी उसको परखने की कोशिश कीजिए, यानी धार्मिक विश्वासों को न मानकर, ठीक है, अनुभव और जांच पड़ताल की आवश्यकताओं पर जांचने की आवश्यकता है। आजकल आपको पता है कि इसी वजह से जो लोग होते हैं आपको बेवकूफ़ बना जाते हैं, आपको से पैसे वसूल लिए जाते हैं, बहुत सी चीज़ें जो होती है आपको धर्म के नाम पर वसूला जाता है। तो देखिए दोस्तों, धर्म बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन इनका विचार है कि धार्मिक विश्वास को न मानकर अनुभव और जांच पड़ताल को मिलाया जाए तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि इससे क्या होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं उसको गलत बना देते हैं और आपको ही अपने ही घर में लड़वा के रख देते हैं। तो ऐसे चीज़ों के लिए अगस्त कामटे हमेशा कहते थे कि पॉजिटिव थिंकिंग ही लेकर चलने की आवश्यकता है। उसके पश्चात हमारा है सापेक्ष यानी रिलेटिव। देखिए, सकारात्मक शिक्षा का दूसरा आधार जो है सापेक्षा है। सापेक्षा से सामाजिक नियमों की पारंपरिक गतिविधियों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। सकारात्मक शिक्षा जो है वास्तविकता पर आधारित होती है। सही बात है, जो आप कह सकते हो जो सकारात्मक शिक्षा होती है हमेशा वास्तविकता पर आधारित होती है, क्योंकि इसमें जो होता है दो राय कभी नहीं होती है, सदैव एक ही राय विचारधारा होती है। उसके बाद अध्ययन की वैज्ञानिक विधि। देखिए, साइंटिफिक मेथड ऑफ द पर्सुअल, कहते सकारात्मक शिक्षा का एक अन्य आधार यह है कि धार्मिक नियमों को छोड़कर परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के लिए जो है वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाए। ठीक है, कहते हैं ना कि धार्मिक नियमों को थोड़ा छोड़, क्योंकि अगस्त कामटे का मानना था कि धार्मिक नियमों को छोड़कर हमें परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अगस्त कामटे इस समय जो थे बिल्कुल वैज्ञानिक रूल रेगुलेशन के ऊपर चलना चाहते थे। उसके बाद था नियम। देखिए, नियम भी जो होती है कुछ इंपॉर्टेंट्स होती है नियम के भी। कहते हैं सकारात्मक शिक्षा जो है प्राकृतिक नियम की तरह कुछ निश्चित नियम पर आधारित होती है। सामाजिक घटनाओं और समाज के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष नियम के ज्ञान होना भी आवश्यक होता है। तो ये नियम का जिसके पास अगर अभाव है तो वो आगे शायद लेके जाना उसके लिए संभव नहीं है। उसके बाद हमारा आता है कि देखिए, उन्नति का अंतिम सोपन। इसका मतलब है
द लास्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। सोपन देखिए उन्नति स्टेज लास्ट, ठीक है। सकारात्मक शिक्षा समाज के जन्म एवं विकास के कार्य में उन्नति का अंतिम विकल्प होना चाहिए। कामटे के अनुसार जो उन्नति के तीन इन्होंने रूल रेगुलेशन दिया था, एक धार्मिक दिया था, एक अर्ध भौतिक दिया था, एक वैज्ञानिक दिया था। देखिए मनुष्य जो है इन्हीं चीज़ों पर लेकर चलता है। सबसे पहले तो इंसान धार्मिक विचारधाराओं पर विश्वास करता है, ठीक है। उसके बाद अर्ध भौतिक यानी फिटो मेटाफिजियोलॉजी पर ध्यान देता है। उसके बाद वैज्ञानिक साइंटिफिक तथ्यों पर ध्यान देता है। आपको लगता है जैसे घर में कुछ प्रॉब्लम होता है तो पहले हम क्या करते हैं, कोई बच्चा बीमार पड़ गया है तो पहले हम उसको क्या क्या करते हैं, उसको नियोजने की कोशिश करते हैं, उसको हर तरह से अपना जो है धार्मिक रूल रेगुलेशन के रिगार्डिंग उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। जब वो नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, कुछ आयुर्वेदिक दवाई उवाई देने की कोशिश करते हैं जिससे कि उसका विकास हो जाए। कि तीन मेथड जो था बहुत इंपॉर्टेंट है कि धार्मिक अधिभौतिक और वैज्ञानिक। कहते हैं प्रथम सोपन में मनुष्य धार्मिक बातों का मानता है, दूसरे में वो क्या करता है प्राकृतिक घटनाओं के स्मृति शक्तियों का परिणाम मानता है, और तीसरे में वो मनुष्य वैज्ञानिक नियमों पर विश्वास करता है। तो इंसान जो है तीनों स्टेज से सदैव गुजरता है। मैंने अभी बताया भी कि जो बच्चे का जो है अगर बीमार पड़ता है तो आप क्या करते हो, धार्मिक रूल रेगुलेशन से उसको ठीक ठाक करते हो, माथा टिकवाने की कोशिश करते हो, ये करते हो। तो ये धार्मिक रिलीजन में आता है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक चीज़ों में भी विश्वास रखने से जो होता है कभी कभी होता है हमारी समस्याएँ सोल्यूशन हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं अधिभौतिक यानी मेटा फिजिकली का इस्तेमाल करते हैं, यानी थोड़ा सा हम मेडिसिन भी देखते हैं, थोड़ा सा हम धार्मिक विश्वासों पे भी रखते हैं, प्राकृतिक घटनाओं के जो है स्मृति शक्ति को भी हम याद करते हैं। उसके बाद लास्ट में नहीं होता है तो हम वैज्ञानिक के रूप रेगुलेशन के रिगार्डिंग उसको अध्ययन करते हैं और इसको जो है हर तरह से जो है दवाई दे के या टेस्ट करके हम उसको जानने की कोशिश करते हैं कि उसमें किस प्रकार की प्रॉब्लम है। उसके पश्चात हमारा है अगस्त कामटे के जो तीन अवस्थाओं के उन्होंने नियम दिया था। ये तीन अवस्थाओं के क्या नियम है, लॉ ऑफ थ्री स्टेज। अगस्त कामटे का आधुनिक समाज शास्त्र के जनक कहा जाता है, और कामटे के सामाजिक विचार उनके तीन स्वप्नों के आधार से आरंभ हुए थे। कामटे ने पूर्व प्राचीन सामाजिक ज्ञान को ठीक किया और उसका जो है वर्गीकरण भी किया। कामटे ने जहाँ तक एक और ज्ञान को समझने के लिए एक विशेष ढंग बनाया, वहीं दूसरी ओर मानवीय चिंतन के विकास कार्यक्रम और विभिन्न अवस्थाओं की व्याख्या भी की। चिंतन के इस विकास कार्यक्रम को कामटे के व्यवस्थित सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस सिद्धांत को चिंतन के तीन अवस्थाओं का सिद्धांत या लो ऑफ थ्री स्टेज ऑफ थिंकिंग कहा जाता है। इस सिद्धांत में चिंतन के विकास के विभिन्न सोपन की व्याख्या भी की गई है। इस सिद्धांत के प्रस्तुत करने का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक विज्ञान को समझने के लिए आवश्यक आधार प्राप्त करना था। कामटे के अनुसार मानवीय चिंतन की प्रक्रिया का विकास निम्नलिखित सोपों से गुजरता है। पहला तो यही उन्होंने दिया था कि धर्मशास्त्रीय अथवा काल्पनिक सोपन यानी थियोलॉजिकली एंड फिक्टिशियस स्टेज। उसके बाद था अमृत और अधिभौतिक सोपन यानी मेटाफिजिकल एंड अब्स्ट्रैक्ट स्टेज। उसके बाद उन्होंने दिया था सकारात्मक तथा वैज्ञानिक सोपन यानी इन्हीं तीनों विश्वास पर उन्होंने आगे बढ़ा था। सबसे पहले तो उन्होंने दिया था धर्म शास्त्रीय तथा काल्पनिक सोपन। देखिए चिंतन के विकास कार्यक्रम में प्रथम सोपन धर्म शास्त्रीय अथवा काल्पनिक सोपन होता है। चिंतन के इस सोपन का जो संबंध, ठीक है, इसमें जो संबंध होती है किस स्टेज किससे होती है, आदिवासियों से होती है, यानी ये स्टेज जो होती है आदिवासियों की होती है। कई बार बच्चे का चिंतन स्तर भी इसी स्टेज में आती है। चिंतन के इस स्टेज में जो है वांछनीय विकसित और विभिन्न तथ्यों पर अभाव होता है। इस स्टेज में जो है व्यक्ति के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होता है, उनका दृष्टिकोण जो है काल्पनिक होती है। यानी इस स्टेज में जो लोग होते हैं कल्पना पे आश्रित होते हैं, यानी कल्पना पे ही अपना बात को रखते हैं। कहते हैं उनके दृष्टिकोण में काल्पनिक होती है और धार्मिक शास्त्र चिंतन स्टेज में जो है चिंतन प्राकृतिक घटनाओं में संबंधित होती है। प्राकृतिक की जो आश्चर्यजनक उत्पादक घटनाओं की कल्पना और कार्यवाद और धर्मशास्त्रीय अथवा काल्पनिक चिंतन का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि इसमें हम धर्मशास्त्रियों के पास ले जाते हैं जो धर्म के मानने वाले होते हैं। उदाहरण प्राकृतिक घटना जैसे बाढ़ अथवा अकाल को किसी दैव्य शक्ति का प्रकोप माना जाता है। होता है ना कि हम यही कहते हैं कि भाई पहले के समय में यही होता था कि वो दैव्य प्रकोप को मानते थे और कल्पना भी चिंतन भी कहा जाता था। इन चिंतन में यह मान लिया जाता था कि विश्व के अतिरिक्त कोई भी अन्य स्थान भी है जहाँ की शक्ति विश्व की घटनाओं को निमित्त किया जाता है। यही हम कहते हैं ना कि कोई शक्ति है जो हम लोगों को चला रही है, इंसानों में जो जीवन फूका हुआ है, जो पेड़ पौधे हो रहे हैं, विकास कर रहे हैं, सब कोई ऐसी शक्ति है जो उनको नियमित रूप से चला रही है, निर्देशित कर रही है। उसके बाद जो है धर्मशास्त्रीय चिंतन सोपन के इन तीन जो स्टेज को विभक्त कर दिया। जब इन्होंने धर्मशास्त्रीय अथवा काल्पनिक सोपन को यानी थियोरिटिकल ऑफ रिलेशन स्टेज को उन्होंने क्या किया, तीन भागों में उन्होंने क्या किया जो है बांट दिया। पहला स्टेज तो उन्होंने ये बताया कि प्रेतवाद यानी फेडरलिज्म, दूसरा था एकेश्वरवाद,
तीसरा था बहुदेववाद। देखिए बहुत से स्टेट जो है इंसानों की थ्योरी है, इंसानों ने बनाया है, तो हर तरह से जो है अपना ही रूल रेगुलेशन उन्होंने अपनाया है। तो अगस्त कामते भी जो थे, इनके जो थियोरेटिकली स्टेज थे उनको उन्होंने तीन स्टेज में और विभक्त कर दिया। एक था प्रेतवाद, एक ईश्वरवाद और बहुदेववाद। कहते हैं प्रेतवाद क्या थी, धर्मशास्त्रीय चिंतन का सबसे प्रथम जो स्टेज को जो है प्रेतवाद कहा। प्रेतवाद को जो है स्टेज में प्रत्येक जीव निर्जीव वस्तु में एक जीव होती है, जीव एक निरंतर वस्तुओं में एक विशेष चेतना होती है और निर्जीव दिखने वाले वस्तुओं में भी दैव्य शक्ति अनुभव की जा सकती है। तो इसका साफ शब्दों में यही बात बताई जा रही है इसमें कि वो चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, यानी वो जीवित हो या मृत्यु हो, सभी चीज़ में जो होती है सब में दैव्य शक्ति होती है सब चीज़ें। तभी तो कहते हैं कि हम हमारे देश में जो है आप जानते भी हो कि पत्थर को भी ईश्वर के रूप बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये पत्थर जो होता है निर्जीव होता है, निर्जीव को हम क्या करते हैं, हम सजीव मान के उसकी जो है आराधना करने लग जाते हैं। तो ये सब दैव्य शक्ति के अनुभव की जाती है। इसमें दैव्य शक्ति के स्वरूप में विशेष में कोई ज्ञान नहीं होता है और इसी कारण जीव जो होती है निर्जीव वस्तु में एक जीवित सत्ता अनुभव की जाती है, यानी निर्जीव में भी हम क्या करते हैं जीवित सत्ता की अनुभूति करते हैं कि वो भी एक ईश्वर है, उनको हमें प्रार्थना करना चाहिए, ये विश्वासधारा हमारे अंदर रहती है। तो साफ शब्दों में इसको कह सकते हो कि जीव या निर्जीव हो उसको हम जो है उनमें जीवन होने की सत्ता मान के हम उसके जो है पूजा और आराधना में विश्वास रखते हैं। ये प्रेतवाद के जो है रूल रेगुलेशन है। उसके बाद बहुदेववाद, इसमें है मनुष्य की मानसिक विकास की परिणाम स्वरूप चिंतन के रूप में भी परिवर्तन आ गया, यानी उनका जो सोच विचार करने की भी प्रवृत्ति में भी बहुत चेंजेस आ चुके हैं। कहते हैं प्रेतवाद के पश्चात का जो स्टेज है वह है बहुदेववाद होता है। इस स्टेज में यदि मानव शक्ति को विभक्त कर दिया जाए तो विभिन्न देवताओं का जन्म भी हो गया है, इस देवताओं का अपने अपने कार्य बंधे हुए हैं। आपने देखा ही होगा कि कई धर्मों में जो होते हैं देवी देवताओं के कार्य बंधे होते हैं, जैसे बरसात करने वाले को वरुण कहते हैं, बरसात वाले जो होता है इंद्र करते हैं, ठीक है, जो आग वाले देवता अलग होते हैं, ठीक है, उसी तरह से जो होते हैं वायु वाला देवता पवन देव अलग होते हैं। तो सभी देवी देवताओं का जो है कार्य भी बांट दिया गया है। तो ये सब जो है बहुदेववाद के रूप में परिभाषित किया गया है कि बहुत से देवी देवता जो हैं उनके जो हैं अपने अपने अलग जन्म होते हैं और उनके जो है सबके अपने अपने कार्य होते हैं। लेकिन विज्ञान जो है इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता है और उन्होंने जो है वेपरेशन ऐसे ऐसे नाम से रिप्रेजेंट करते हैं कंडेंसेशन, आपने पढ़ा भी होगा, और इस तरह से जो होता है हमारा बादल बढ़ते हैं और बरसात होती है। हम किसी इंद्रदेव को विश्वास नहीं करते हैं, ऐसा ही होता है ना कि हम पहले पुरातन समय में होता था कि इंद्रदेव के प्रकोप है, इंद्रदेव वर्षा करते हैं, ऐसा सोचा जाता था। लेकिन आज जो है साइंस ये कहता है कंडेंसेशंस, ठीक है, फिर सारे जो है प्रोसीजर जो है आपका वाटर साइकिल के पूरे स्टेज को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है और ऐसे बरसात होती है कैसे उसका रेनफॉल आती है, तो सारे चीज़ों के जो है बच्चों को स्टेज के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये पुराने समय की बातें और नए समय की बातों में बहुत ही जो है अलग अंतर होता है। कहते हैं पुराने समय में जो देवी देवताएं होते थे उनको भी जो है उनमें कामों का जो है डिवीज़न कर दिया जाता था कि सबके अपने अपने एक कार्य होंगे। उसके बाद हमारा है एकेश्वरवाद। एकेश्वर मतलब है एक पे, यानी धर्मशास्त्रीय चिंतन का अंतिम जो है स्टेज है वो एकेश्वरवाद है। इस स्टेज में केवल एक भगवान की सत्ता में विश्वास रखा जाता है। एकेश्वरवाद मनुष्य को मानसिक विकास का परिणाम है। एकेश्वरवाद की शोध पूर्व की अव्यवस्थित एवं जो है वैधिक धारणाएं समाप्त करने के लिए हुई थी। इस स्टेज में जो है संपूर्ण विश्व को एक केवल एक भगवान चलाता है और इस भगवान की चरम सीमा और परम शक्ति है। देखिए कई धर्म में ये बात जो बिल्कुल साफ कहा गया था, ये अगस्त क्रम तब कामते जानते थे कि एक सत्ता को ही माना जाता है कि परम आत्मा जो होता है वो परम शक्तिमान है, वो कोई भी आकार का नहीं निराकार है, वो प्रत्येक जगह उपस्थित है, चाहे जीव हो या सजीव हो या निर्जीव हो, वो हर जगह जो है अपना अस्तित्व रखता है। तभी तो एक कहावत है मानो तो देवता नहीं तो पत्थर। तो यही विचारधारा पे आगे बढ़ते हैं क्योंकि पूरा विश्व जो है एक ही शक्ति चला रहा है और एक ही परमात्मा है और उसी के जो है सारे जीव जंतु उसी पे ही आश्रित हैं। तो यानी पहले के समय में जो मानते हैं एकेश्वरवाद वो सिर्फ एक नेचर पे विश्वास करते थे कि प्राकृतिक ही सर्वशक्तिमान है और वही जो है विश्व को थामे हुआ है। तो इस बात पे जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा है अमृत अथवा आदिभौतिक सोपन, यानी सेकेंड पार्ट पे हम आते हैं, ठीक है। अमृत कहते हैं चिंतन के विकास, यानी चिंतन के विकास कार्यक्रम में कामते के अनुसार दूसरा जो स्टेज है अधिभौतिक स्टेज है।
चिंतन और जब बुद्धि के विकास और परिणाम स्वरूप मनुष्य की जो है कठिनाइयाँ बढ़ गई हैं। आपको पता है कि मनुष्य ने अपनी चिंतन और बुद्धि के विकास की वजह से जो है उनकी कठिनाइयाँ बढ़ गई है। आज मनुष्य जो है असमंजस में फंसे हुए हैं कि हम किसको सही कहें और किसको गलत करें। ये हर जगह जो है आज धर्म संकट में जो है व्यक्ति पड़े हुए हैं। धर्मशास्त्रीय चिंतन पर उस कठिनाई को समाधान नहीं कर सका। विश्व में जो है विरोधी विचारधाराओं के कत्ल होने की अवस्था में एकेश्वरवाद जो है मनुष्य को प्रसन्न न कर सका। यानी एकेश्वरवाद जो था मनुष्य को प्रसन्न करने में जो है पूरी तरह से सक्षम नहीं था। एक ही ईश्वर की जन्म देने वाला और मरने वाला मानना संभव नहीं है, क्योंकि एक ही ईश्वर को जन्म देना और शायद मारना ये संभव हो चाहे ना हो इस बात के तथ्य का जो है कोई अर्थ नहीं है। और इस अवस्था में एक ही ईश्वर का संकल्प मानवीय चिंतन की संतुष्ट नहीं कर सकता है। इस वैदिक असंतुष्टि के लिए मनुष्य मानव ने भौतिक चिंतन को अपनाया है, क्योंकि जो है व्यक्ति जो है अपने ही इष्टों से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो मानते हैं कि वो उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने जो है भौतिक चिंतन को अपना लिया है। अधि भौतिक चिंतन में जो है अमृत अलौकिक सत्ता को माना जाता है। इस चिंतन में वह माना जाता है कि विश्व की सभी घटनाएं अमूर्त सत्ता का द्वारा चलाई जाती है। अमूर्त का मतलब होता है जिसका अपना कोई मूर्त नहीं होती, यानी जो है निराकार है, जिसका कोई भी आकार नहीं है। आप अमूर्त को निराकार के रूप में भी ले सकती हो। और चिंतन के इस स्टेज में यह नहीं माना जाता है कि प्रत्येक जीव वस्तु के पीछे एक जो है मूर्त परमात्मा है, यानी परमात्मा जो सबका है वो किसी एक से बंधा हुआ नहीं है और वो हर जगह विद्यमान है और सभी चीज़ों को वो स्पष्ट और सकारात्मक रूप से देखता भी है। उसके बाद है हमारा सकारात्मक अथवा वैज्ञानिक स्टेज। देखिए धर्मशास्त्री एक अधिभौतिक स्टेज को अपना वैज्ञानिक अथवा सकारात्मक स्टेज आता है। कहते हैं ना सभी स्टेज चली जाती है तब जब जाके जो है हम सकारात्मक स्टेज पे आते हैं, और कभी कभी सकारात्मक स्टेज सब स्टेज खत्म हो जाता है तो हम जो है इस पर पे छोड़ देते हैं। ऐसा ही होता है, यानी हम जहाँ से शुरू होते हैं वहीं पे हम ख़त्म हो जाते हैं। जहाँ हम ईश्वर को मानते हैं हम सारे सिद्धांतों को अपनाने के बाद फिर ईश्वर पे हम छोड़ देते हैं। यहाँ बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको साइंटिस्ट भी जवाब देना उनके लिए भी संभव नहीं है। ये सारे क्वेश्चन आप जानते हो, तो ये बात जो है परम सत्य भी है और सत्य पर आधारित भी है। कहते धर्मशास्त्रीय और आध्यात्मिक चिंतन में यदि ज्ञान प्राप्त होता है तो वो अनुमान और कल्पना पर ही आधारित होती है। इस अनिश्चितता को समाप्त करने के लिए वैज्ञानिक चिंतन अवस्था में आया है, यानी वैज्ञानिक चिंतन भी मनुष्य को सही मार्गों में ले जाने के लिए पूरी ही अग्रसर हुआ है। लेकिन कहते हैं जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहीं जो है हमारा जो है अमूर्त यानी परमात्मा है उस पर हमें विश्वास करने में सार्थक सिद्ध कराता है। वैज्ञानिक चिंतन तथ्यों को जो है समक्षों पर आधारित होती है, इसमें कल्पना कोई महत्व नहीं दिया जाता। यानी वैज्ञानिक जो चिंतन होती है वो कल्पना पर आधारित बिल्कुल ही नहीं होती है, वो साक्ष्य पर आधारित होती है। वैज्ञानिक चिंतन तथ्यों को अवलोकन से आरंभ होता है। तथ्यों को अवलोकन के पश्चात उनका वर्गीकरण किया जाता है और उन्हें सामान्य रूप दिया भी जाता है। कहते हैं प्राप्त परिणामों को विभिन्न ढंगों से भी जाँच पड़ताल भी किया जाता है। जाँच पड़ताल के पश्चात नियम बनाए जाते हैं और यह नियम वैज्ञानिक नियम कहलाते हैं। वैज्ञानिक चिंतन किसी भी प्रकार के विश्वास और दैवी सत्ता को कोई महत्व नहीं दिया जाता है, यानी दैवी शक्ति को जो है इसमें महत्व बिल्कुल ही नहीं दिया जाता है। कामटे का मत है कि मानव चिंतन की प्रत्येक शाखाओं को वैज्ञानिक स्तर पर पहुंचाने के लिए पूर्व को दो जो है स्टेज में से गुजरना पड़ता है, और वैज्ञानिक स्टेज के चिंतन में पूर्व के दो सब जो है स्टेजों को कुछ लक्षण होते हैं। देखिए दोस्तों ये बात तो साफ अगस्त कामटे ने कहा था कि कोई भी बात हो पहले तो हम धार्मिक स्टेज से ही गुजरते हैं, ठीक है, शायद धार्मिक के बाद अद्भौतिक पे जाते हैं, उसके बाद जो है हम वैज्ञानिक स्टेज पे आते हैं। तो ये बात उसने सही भी बताया था और सही सत्य भी है कि हम पहले जो है अपने रूल रेगुलेशन को दो शाखाओं से गुजरने के बाद तीसरी शाखा पर आती है, स्टेज पर आती है और तब जाके वो प्रमाणित होती है। जब तीसरी स्टेज भी फेल हो जाती है फिर जो है हम पहली स्टेज पर ही आ जाते हैं। आपने देखा ही होगा अगर हम इलाज कर लेते हैं किसी व्यक्ति का, मगर वो ठीक ठाक नहीं हो पाता है, दवा स्पेशल नहीं करता है, तो फिर से जो है हम फर्स्ट स्टेज पे आ जाते हैं। तो कहते हैं कि जहाँ साइंस का अंत होता है वहीं जो है ईश्वरवाद की जो है परिभाषा स्टार्ट होती है, वही जो है तभी हमें परमात्मा पर विश्वास दिलाने में सक्षम कराती है। तो अगर कामते साफ शब्दों में कहा भी था कि मनुष्य के प्रत्येक शाखा को वैज्ञानिक स्तर पर पहुँचाने के लिए पूर्व दो जो है स्टेजों से गुजरना पड़ता है, तब जाके वो जो है थर्ड स्टेज में पहुँचता है। उसके पश्चात जो है अगस्त क्रांति ने विज्ञान का स्टेज क्रम दिया, यानी द
हिरकाइजिस ऑफ द साइंस। देखिए अगस्त काम्प्टन ने एक नए समाज के वैज्ञानिक शोधों को शोधने का प्रयत्न भी किया। उसने जो 1842 में कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी नामक एक बड़ी पुस्तक 6 भागों में लिखी जो प्रकाशित हुई। कथा कहते हैं 1851 में जो है उन्होंने द लिस्ट ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी नामक एक अन्य पुस्तक भी लिखी। इन पुस्तक में उसने समाज विज्ञान की साइंस का विकास किया जो उसके विचार में अजैविक है। ठीक है, अजैविक जो है यानी दुनिया में विभिन्न अजैविक के संबंध रखती थी, यानी जो इनऑर्गेनिक है, ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बातों को संबंध रखती थी। उसके विचार में उस समय की जो है सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए नए ढंगों का प्रयोग किया जाना भी जरूरी था। कहते प्रथम उसने इस सोशल जो है फिजियोलॉजी यानी सोशल फिजियोलॉजी अर्थात सोशल फिजिक्स का नाम भी दिया गया। उसका विश्वास था कि प्राकृतिक अधिकारों और सामाजिक समझौता लिखित संविधानों और शक्ति की जो है अलहदगी प्राचीन प्रशासन के समावर्तित धार्मिक सिद्धांत और पवित्र संघ यानी होलीज अलायंस आदि पुरानी थ्योरी उस समय मुर्दो हो चुकी थी। यानी कहते हैं कि उस समय जो पुरानी थ्योरी थी वो बिल्कुल ही खत्म हो गई थी और इस स्थिति में मेल भी नहीं खाती है। तो उपयुक्त थ्योरी कई प्रगतिवाद सोसाइटी का भी आधार बन सकती है। उसने जो है वचनात्मक यानी ऑब्जर्वेशनल एंड ऐतिहासिकात्मक यानी हिस्टोरिकल नामक दो ढंग अपनाए। जहाँ तक उसकी जो थ्योरीलॉजी या मेटोलॉजी का संबंध है वो आर्थस मैक्सवेली और वैदानी एवं मार्कोनिड का अनुयायी था। इसने इतिहास की अपनी ही फिलोसफी और एक अगात्मक यानी इंडक्टिव अर्थात वचनात्मक विधि का विकास किया। यानी कह सकते हो सिंपल शब्दों में कि अगस्त कामते जो थे वो मैक्सवेली और वैदानी और मैस्टोवक्यू की जो है काफ़ी बहुत बड़े समर्थक थे। इसलिए उन्होंने इतिहास सामाजिक और सभी चीज़ों को जो है समावेश करके वो उन्होंने अपना रूल रेगुलेशन को प्रोग्रेस किया और बनाया। क्योंकि कहते हैं ना कोई भी व्यक्ति जिस किसी व्यक्ति की बातों को मानता है उसके सोच पर चलता है तो वही चीज़ों को जो है अपना आधार बनाता है। ठीक है, उसकी फिलॉसफी का एक अन्य आधारित प्रगति का नियम था लो ऑफ प्रोसेस जिसने उसने सकारात्मक फिलॉसफी का नाम भी दिया था। तो लो ऑफ जो प्रोसेस है वो काफ़ी उसका इम्पोर्टेंट भी था। देखिए इसमें जो है बेस ऑफ स्टेरियन राज्य का आधार ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगस्त क्रांति के अनुसार शक्ति प्रत्येक जो है मानवीय समाज की बुनियाद है। फोर्स वाज द बेस ऑफ द एवर ह्यूमन सोसाइटी। ताकत से उसका जो अभिप्राय भौतिक और पदार्थक शक्ति से है। इस संबंध में वो हवस के सिद्धांतों को ठीक समझता है। यानी हवस जो था उसका सिद्धांत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था, आपने पढ़ा भी शायद होगा। ठीक है, जहाँ पर आप एमए में कर रहे हो उसका फर्स्ट सेमेस्टर जो रहा होगा उसमें आपने हवस के भी रूल रेगुलेशन पढ़े होंगे। लेकिन आपने ढंग से पढ़ा होगा तो पता भी होगा कि हवस के रूल रेगुलेशन भी थे जो उसमें काफ़ी बात बताई गई थी। ठीक है, जिन बच्चों ने एमए ढंग से किया होगा फर्स्ट सेमेस्टर उनको पता होगा। ठीक है, उसके अनुसार वैधता और भावना सामाजिक एकता का सही सिद्धांत नहीं हो सकता है। देखिए कहते हैं वैधिकता और अथवा भावना सामाजिक एकता का सही सिद्धांत नहीं हो सकता। कोई भी समाज जो होती है भावनाओं पे नहीं चलती है जबकि रूल रेगुलेशन पे चलती है, सिस्टमैटिक पे चलती है। भावना जो होती है किसी एक व्यक्ति का हो सकता है, सब व्यक्तियों का भावना पे अगर लेकर चलोगे तो गलत चीज़ों को भी अपना के जो है अपना जीवन को नष्ट कर दोगे। ये अगस्त कामते का साफ विचार था और उसने साफ शब्दों में ये भी कहा था कि सोशल साइंस वुड बी रिमाइंड टू द फॉर एवर इन देयर क्लोडेड एंड देयर मेटाफिजिक्स एंड इफ यूज हेस्टेटेड टू द अडॉप्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स एज द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये बात उन्होंने साफ शब्दों में कहा था। कामते ने राजनीति विज्ञान से अधिक समाज विज्ञान था, यानी राजनीति विज्ञान से अधिक उन्होंने सामाजिक विज्ञान पर ध्यान दिया था, इसलिए जो है फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बातें बहुत साफ और स्पष्ट था। वह राज्य और सरकार को समाज में अधिक रुचि रखता था तब भी जबकि वह एक दृढ़ता से विचार भी रख देता था। वैधिक शक्ति सरकार के अस्तित्व का आधार है। देखिए भौतिक जितनी भी शक्तियाँ हैं ना जो है सरकार की शक्तियाँ हैं, लेकिन भौतिक शक्ति का जो है सरकार उपयोग सही ढंग से नहीं कर पाती है और वो इसके कार्य सम्मान करने में वैधिक नैतिक और धार्मिक शक्तियों के महत्वपूर्ण को अभिव्यक्त करता है। आज बहुत जगह आप देखिएगा कि सरकार भी जो है, पता नहीं, मैं भी एक बात समझ नहीं पाता हूँ कि सरकार जो है धर्म के पीछे इतना क्यों पड़ा हुआ है। आपको पता होना चाहिए, सदैव एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि सरकार जो होती है सदैव सर्वभौमिक होती है, यानी सर्व जगह होती है। सरकार की जो होती है एक सर्वसत्ता होती है, यानी सार्वजनिक होता है। सरकार जो सदैव होती है वो सार्वजनिक होती है। ठीक है, सरकार जब निजी बन जाए तो समझ लीजिए सरकार का पतन संभव है।
तो मैं कई जगह देखने को मुझे मिला है कि सरकार जो है किस धर्म के पीछे पड़ के उसी को ही आगे बढ़ाने की कोशिश किया है, और देखा भी है मैंने इतिहास को भी, जिसमें जो है कि धर्म के लेके जितने भी राजाओं ने चले हैं और एक धर्म को उन्होंने प्रायोरिटी दिया है और दूसरे धर्म को उन्होंने इग्नोर किया है, तो उनकी सत्ता जो है सदैव के लिए समाप्त हो जाता है। क्योंकि मैंने हमेशा ये बात पर जोर दिया है कि सरकार कभी निजी नहीं होती है, वो सार्वजनिक होती है, क्योंकि सरकार को सिर्फ एक जाति के लोग वोट नहीं देते हैं, प्रत्येक जाति के लोग वोट देते हैं, और सरकार को हमेशा सार्वजनिक हितों की ही रक्षा करना चाहिए, सार्वजनिक बातों को ही लेकर चलना चाहिए। अगर जो सरकार एक बात को लेकर चलेगा और एक ही धर्म को लेकर चलेगा तो 100% देखिएगा कि उसका जो सत्ता है सदैव के लिए जो होता है समाप्त हो जाता है। क्योंकि ये जो है विधान है और रूल रेगुलेशन है, क्योंकि कहते हैं ना माँ बाप के लिए जितने भी मर्जी बच्चे हों सब उनके लिए एक समान होते हैं, और जो बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं तो उसमें से कोई ना कोई बच्चा जो होता है बागी हो जाता है और वो माँ बाप का साथ छोड़ देता है। सेम वैसा ही होता है, अगर आप सरकार हो, आपके लिए हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, तो आप वो फादर के रूप में हो जाते हो जो एक परिवार है। अब बेशकली परिवार पर परिवार कहते रहते हो, लेकिन अब परिवार हो कहाँ? परिवार तो सिर्फ आप एक के लेके चल रहे हो, बाकी आपने सभी को पीछे छोड़ दिया, उनको इग्नोर कर रहे हो, तो वही परिवार जो है आपके लिए विरोध आभास उत्पन्न करेगा और आपको जो है कहते हैं ना आपको जो है राजगद्दी से लेके आपको नीचे उतार देगा। तो इसी बात को जो है अगस्त कामते ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात के रूप में समझाने की कोशिश किया है। वो साफ शब्दों में कहा करते थे कि कामते राजनीतिक पर उन्होंने कभी जोर नहीं दिया था, वह राज्य और सरकार समाज में अधिक रुचि रखता था, जब भी वह जनता से विचार देता था भौतिक शक्ति सरकार के अस्तित्व का आधार मानता था और इसके लिए कई सामान्य जैसे वैधिक नैतिक धार्मिक शक्ति को महत्व अभिव्यक्त करता था कि सारे चीज़ों को लेकर चलना एक सरकार की प्राथमिकता होना चाहिए। लेकिन अगस्त कामते ने जो विचारधारा रखा बहुत से लोगों ने जो था उसको आलोचना भी की, यानी क्रिटिसिज्म भी थी उसकी, बहुत से आलोचना भी लोगों ने किया। कामते की जो फिलॉसफी की इस आधार पर आलोचना की जा सकती है कि उसका तीन जो स्टेज का नियम उस संपूर्ण इतिहास की व्याख्या नहीं कर सकती है जो कि अधिक जटिल है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इतिहास जो होती है बहुत जटिल होती है, उसका तो कोई भी व्यक्ति जो है स्पष्ट रूप में अध्ययन नहीं दे सकता, स्पष्ट रूप में जो है विचारधारा नहीं कर सकता। वास्तव में उसने अपनी फिलॉसफी गैरो नास्लो का भी समिति रखी थी, इसके तो उसने मानवीय जीवन के धार्मिक और पराभौतिक पहलू को भी पूरी तरह से अनदेखी कर दिया था। मानवीय समाज को सही ढंग से कार्य करने में इस पहलू की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। देखिए आलोचक का कार्य होता है आलोचना करना, क्योंकि कहते हैं ना हर व्यक्ति जो है पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सकता है, सही नहीं हो सकता है, बहुत से विचारधारा जो है दूसरे विचारधाराओं से मेल नहीं खाती है, तो आलोचना करने वाले भी कुछ हद तक हमें कुछ अच्छी बातें ही बता जाते हैं, ठीक है, चाहे जो मर्जी हो। अगस्त कामते पे कहते हैं ना समय का जो है प्रभाव बहुत पड़ा, क्योंकि अगस्त कामते सिर्फ एक को अपने गुरु नहीं मानते थे, समय समय पर उन्होंने कई गुरुओं को भी चेंज किया था, जिसकी वजह से उनके तरह तरह के उन पर प्रभाव पड़ा और उन्होंने तरह तरह की बातों पे ही उन्होंने अपना थ्योरी दिया। तो कहते हैं ना अगर एक का प्रभाव पड़ता तो सही रहता, लेकिन उनको कई चीज़ों का प्रभाव पड़ा, जो अगर आप अगस्त कामते की जीवनी जब पढ़ोगे तो आप समझ में आएगा आपको कि उनके किस किस व्यक्तियों का जो है विशेष प्रभाव पड़ा और जिसकी वजह से उन्होंने अपने समय समय पर उन्होंने क्या किया, रूलों को चेंज कर दिया, ठीक है, जो बच्चों ने ढंग से पढ़ा होगा उनको समझ होगी। अब हमारा जो है अगर सारी बातों को देखा जाए, निचोड़ देखा जाए, समझा जाए, तो एक बात तो यहाँ पर साफ हो चुकी है कि अगस्त कामते की फिलॉसफी के अच्छे पॉइंट यानी प्लस पॉइंट इसके बुरे पॉइंटों से कहीं अधिक हैं। तो कहते हैं इनके काफ़ी पॉइंट जो है अच्छे भी हैं और इसके अतिरिक्त उसकी ओर से जो है विकसित इतिहास की जो फिलॉसफी मानवीय मन एवं मस्तिष्क की ओर अतीत में सभ्यता की प्रगति के तत्व को जो साधारण के लिए एक नई सबसे उच्च जो है प्राप्तियों के बराबर दर्जा रखती है। कहते हैं कि बेशकली जो है प्लस पॉइंट काफ़ी है बट बुरे पॉइंट भी कहीं अधिक है, यानी दोनों पॉइंटों को लेकर चला जाए तो अगस्त कामते जो थे काफ़ी विचारधारा को सत्य भी सिद्ध होती है, क्योंकि उन्होंने हर एक पहलू पर हर एक विचार पर दिया। एक बात तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था कि जो वैज्ञानिक आधार होती है वो दो स्टेजों से गुजरने के बाद आती है, जो कि ये सत्य भी है और इस बात को झुठलाया भी नहीं जा सकता है, तो ये बात उनके जो है सही सिद्ध भी होती है। इसके तहत उन्होंने दुनिया की समाजशास्त्र नाम का एक नया ज्ञान भी दिया, यानी समाजशास्त्र अगर कामते नहीं होते तो शायद समाजशास्त्र जो है हमारे पास नहीं पहुँच पाता। इसके अतिरिक्त उन्होंने सामाजिक विज्ञान कट्टर जो है धार्मिकवादी और पराभौतिकवादियों को पंजों से मुक्त करवाया। आपको पता कि बहुत से लोग जो थे धर्म के नाम पे लूट रहे थे, ठीक है, और भौतिकवादियों के रूप में पंजों में जो है उन्होंने मुक्त करवाने का जो है विशिष्ट कदम भी उठाया और उन्होंने बहुत प्रयत्न भी किया।
अंत में दापी यह थ्योरी कर्ता से अधिक एक समाज सुधारक था, उसने दुनिया को सामाजिक प्रबंधन की प्रगति का एक नया आधार प्रदान किया। ठीक है, तो ये जितना मर्जी आलोचना आप कर लीजिए, जितना मर्जी कीजिए, लेकिन कह सकते हो कि अगस्त कामते जो थे अच्छा फिलोसफर थे, उनकी कुछ अच्छी बातें भी थी, कुछ गलत भी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जो धार्मिकवादी लोग थे उनको उन्होंने कट्टर जो है टक्कर दिया, और उनको जो है धर्मवादी होने पर उनको उनका जो घमंड थी चूर चूर करके एक नया समाज की स्थापना करने में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च को तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाणश्री सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाणश्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th class, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th+2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6th semester तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाणश्री सेंटर का फ़ायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।